इस साल पंचांग भेद की वजह से कुछ जगहों पर 6 तारीख को और कुछ जगहों पर 7 मार्च को होलिका दहन होगा, और वहीं होली जलने के बाद 8 मार्च को होलिकाष्टक खत्म होगा। होली प्रहलाद की जीत के साथ ही नई फसल और बसंत के आने का भी पर्व है। वैसे तो देश भर में होलिका से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, तो आइए जानते हैं अलग अलग जगहों की होली और वहां से जुड़ी कई मान्यताओं के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। वसंत ऋतु के आने पर मौसम सुहाना हो जाता है। इस वक्त ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। ज्यादातर सभ्यताओं में आग और पानी से जुड़े पर्व वसंत के स्वागत के लिए मनाए जाते हैं, और होली भी इसी वजह से मनाई जाती है। कहते हैं कि पुराने समय में रंग उड़ाकर इस ऋतु के आने पर उत्सव मनाते थे, इसीलिए इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। होली का पर्व लोगों के अंदर उत्साह भर देता है और सभी अपनी दुश्मनी भूलकर सबके साथ होली खेलते हैं और इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं। वैसे तो इस पर्व के साथ कई मान्यताएं प्रचलित हैं, पर इनमें सबसे खास है गेहूं को होलिका दहन में समर्पित करना। तो इसके पीछे कहते हैं कि इस समय खास तौर पर गेहूं की फसल पकने लगती है, और पुराने समय से ही फसल आने पर उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है, और इसी वजह से किसान जलती हुई होली में नई फसल का कुछ भाग अर्पित करते हैं, यानी वो प्रकृति को या फसल भोग के रूप में चढ़ाते हैं। अब दूसरी मान्यता है कि क्यों होली की राख माथे से लगाई जाती है। तो इसके पीछे की यह कहानी है कि त्रेता युग की शुरुआत में लोगों की रक्षा के लिए धरती पर पहला यज्ञ हुआ, तो भगवान विष्णु ने उसमें से थोड़ी सी राख अपने सिर पर लगाई और थोड़ी हवा में उड़ा दी। इसके बाद ऋषियों ने भी ऐसा किया और जाना कि हवन की राख को शरीर पर लगाने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तब से ये परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ फागुन महीने की पूर्णिमा को कश्यप ऋषि के द्वारा अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि पर चंद्रमा की विशेष पूजा और अर्घ देने का विधान बताया गया है। वहीं ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान फागुन पूर्णिमा पर महालक्ष्मी अवतरित हुई थी। यही कारण है कि लक्ष्मी जयंती फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, और कहते हैं कि इस दिन किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने होली से जुड़ी हुई मान्यताओं और कहानियों के बारे में तो जान लिया है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर विश्व प्रसिद्ध होली खेली जाती है? जैसे काशी के मणिकर्णिका घाट पर खेली जाने वाली होली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ शमशान की राख से होली खेली जाती है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी ने अपने गणों के साथ चिता की राख से होली खेली थी। इसी मान्यता की वजह से आज भी शिव भक्त यहाँ मसाने में होली खेलने आते हैं। अब आते हैं बरसाना की लठमार होली पर, जिसे कई दिनों तक खेला जाता है। असल में फागुन पूर्णिमा से पहले यहाँ लोग जो है होली खेलना शुरू कर देते हैं। पास के नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना के पुरुष नंदगांव जाते हैं। इन गांव की महिलाएं पुरुषों को लठ मारती हैं और पुरुष ढाल से बचने की कोशिश करते हैं, और ये होली देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं। और वहीं मथुरा वृंदावन में टेसू के फूलों से भी होली खेली जाती है। अब वही मथुरा से करीब 50 किलोमीटर दूर फालेन गांव में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। असल में इस गांव की होली की खास बात यह है कि यहाँ जलती हुई होली के बीच में से एक पंडा चलकर गुजरता है, और होली की ऊंची ऊंची लपटों से भी निकलने के बाद उस पंडे का बाल भी मां का नहीं होता, और ये चमत्कार देखने के लिए देश विदेश से काफी लोग यहाँ पहुंचते हैं। इसी के साथ कर्नाटक के हम्पी की होली भी दुनिया भर में फेमस है। मानता है कि वानर राज सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ इसी क्षेत्र में रहते थे, इस वजह से यहाँ होली पर बड़ा आयोजन होता है जहाँ हजारों लोग होली खेलने आते हैं। इसी के साथ राजस्थान में और उदयपुर में भी पुष्कर होली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उदयपुर का राज परिवार शाही अंदाज में होली मनाता है। बता दें कि पुष्कर में विदेशी पर्यटक यहाँ कपड़े फाड़ होली खेलने आते हैं, पर अगर आप इन जगहों पर होली खेलने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने शहर में अपने ढंग से होली खेलिए, शुद्ध मावे से बनी मिठाइयाँ खाइए और इस त्यौहार का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को सुरमई टाइम्स की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी देख रहे थे सुरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष, मैं सिद्धांत त्रिपाठी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।